दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 में भारत अपना पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रविवार यानी 8 अक्टूबर को खेलेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का ये मैच चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। रोहित शर्मा की कप्तानी में इस बार टीम इंडिया आईसीसी ट्रॉफी के सूखे को खत्म करने के लिए जी जान लगा देगी। भारत को 2023 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में होने वाले वर्ल्ड कप मैच में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा वेस्टइंडीज के धुरंधर बल्लेबाज क्रिस गेल का एक रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में होने वाले वर्ल्ड कप मैच में 3 छक्के जड़ देते हैं तो वह इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। रोहित शर्मा अगर 3 छक्के और ठोक देते हैं तो वह इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने कुल 554 छक्के पूरे कर लेंगे। वेस्टइंडीज के धुरंधर बल्लेबाज क्रिस गेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट को मिलाकर कुल 553 छक्के मारे हैं। रोहित शर्मा अगर 3 छक्के और जड़ देते हैं तो वह क्रिस गेल से आगे निकल जाएंगे और उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देंगे। आपको बता दें, रोहित शर्मा के नाम अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट के 451 मैचों की 471 पारियों में 551 छक्के मारने का रिकॉर्ड दर्ज है। 3 छक्के और लगाते ही 554 छक्के जड़ने वाले दुनिया के पहले और इकलौते बल्लेबाज बन जाएंगे। मौजूदा समय में भारत के महान बल्लेबाज विराट कोहली भी इस महारिकॉर्ड से बहुत दूर है। विराट कोहली ने अपने इंटरनेशनल करियर में 283 छक्के लगाए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो 551 छक्के रोहित शर्मा ने लगाए हैं नंबर एक पे। उसके बाद नंबर दो पे 359 छक्के महेंद्र सिंह धोनी ने लगाए हैं और नंबर तीन पे दोस्तों 283 छक्के विराट कोहली ने लगाए हैं। दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्या रोहित शर्मा इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे? ऑब्वियसली बात है दोस्तों, 3 छक्के हैं तो जरूर तोड़ पाएंगे। और क्या इंडिया वर्ल्ड कप जीत पाएगी, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। अपनी राय जरूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लें दोस्तों। धन्यवाद।